पर है उड़ीसा के भुवनेश्वर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। थाने में आर्मी ऑफिसर के साथ मारपीट की गई, आर्मी ऑफिसर की मंगेतर के साथ बदसलूकी की गई। मेरे हाथ पैर बांधे, कपड़े उतारे, ये पीड़िता की तरफ से कहा गया। इंस्पेक्टर इंचार्ज सहित 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस स्टेशन का ये मामला है, जहाँ पर 15 सितंबर को पीड़िता को किया गया था गिरफ्तार। 19 सितंबर को पीड़िता को हाईकोर्ट से जमानत मिली। जमानत मिलने के बाद पीड़िता ने किया खुलासा, रोड रेस की शिकायत दर्ज कराने गए थे पीड़ित। मेडिकल जांच में पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है। उड़ीसा के भुवनेश्वर से ये मामला सामने आया है। आर्मी ऑफिसर की मंगेतर के साथ बदसलूकी की गई, मेरे हाथ पैर बांधे, कपड़े उतारे, ये पीड़िता की तरफ से कहा गया। इंस्पेक्टर इंचार्ज सहित 5 पुलिसकर्मी इस मामले में सस्पेंड कर दिए गए हैं। भुवनेश्वर के भरतपुर का ये मामला है, 15 सितंबर को पीड़िता को किया गया था गिरफ्तार। 19 सितंबर को पीड़िता को हाईकोर्ट से जमानत मिली। जमानत मिलने के बाद पीड़िता ने खुलासा किया, रोड रेस की शिकायत दर्ज कराने गए थे पीड़ित। 15th को रात को अराउंड 1 o'clock 1 AM अपना रेस्टोरेंट क्लोज करने के बाद व्हेन आई वाज अपने घर जा रही थी, कुछ गाड़ी ने हमारा रास्ता रोका था और हमसे लड़ने की कोशिश की थी। उनसे जैसे भी बच बचाते हम लोग जब गाड़ी में वापस बैठे और उसका FIR देने भरतपुर पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे एक लेडी कांस्टेबल बैठी हुई थी अपने नाइटी में रिसेप्शन पे और कोई भी नहीं था। उनको मैंने बहुत बार FIR लिखने के लिए बोला, मेरा कंप्लेंट लॉज करने के लिए बोला, उन्होंने मुझे कोई हेल्प दी नहीं, उल्टा मेरे साथ गाली गलौज की। जब मैंने उनको बताने की कोशिश की कि मैं एक लॉयर हूँ और उनका बनता है इस टाइम पे FIR लिखना, ये उनकी ड्यूटी है, तो उन्होंने मुझ पर और गुस्सा किया। थोड़ी देर बाद जब एक पेट्रोल गाड़ी आई, उसमें से और फीमेल ऑफिसर्स और बाकी मेल ऑफिसर्स आए, उन्होंने गुरवंश को अपॉर्चुनिटी दिया था कंप्लेंट लिखने का, बट उतने में ही उन्होंने पता नहीं क्यों उसको कस्टडी में डाला। मेल ऑफिसर्स ने मेरे बाल पकड़ के ज़ोर से खींच खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रहे, प्लीज़ स्टॉप, मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, उसके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की, तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। फिर थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा एंड अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए और उन्होंने मेरा कि तुम चुप रहोगे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी के लिए, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। उड़ीसा के पूर्व CM नवीन पटनायक ने थाने में आर्मी ऑफिसर के साथ मारपीट के मामले में जांच की मांग की है। All of you have heard of what recently happened to an army major and his fiance at a police station here at Bhubaneswar. This is very, very shocking news of the violence that was meted out to both of them and the alleged sexual assault on the major's fiancée. We demand a full judicial inquiry into this matter. And action must be taken very quickly.